पुणी बीजेपी कब्जा रे गुजरात हिमाचल प्रदेश भी कांग्रेस हाथरु खसीछि फुटीछि पद्म एवं काम करिछि मोदी साहंका कॉम्बिनेशन गुजरात रे क्षमता बजाय रखिला बीजेपी 182 आसन रु बीजेपी 69 आसन रे विजय होईछि कांग्रेस 80 एवं अन्यान्य 3टी आसन पाइछंती क्रमागत षष्ठ थर पई राज्य रे सरकार गढिबा को जाउछि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल विजय होईछंती 2019 साधारण निर्वाचन पूर्वरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पई समान रो प्रश्न होइथिबा गुजरात रे एथर बि बाजी मारिछि बीजेपी सभापति अमित शाह का धार्य 150 रु बहु कम आसन सहित क्षमता बजाय रखिबारे सफल होईछि बीजेपी एपरिकी दल 2012 विधानसभा निर्वाचन थरु बहु कम आसन पाइछि समस्त प्रचेष्टा सत्वे बीजेपी को क्षमताच्युत करिबारे पुणी थरे विफल होईछि कांग्रेस अल्प के हेले मध्य गुजरात विजय बीजेपी एवं सर्वोपरि प्रधानमंत्री को पई बेस आश्वस्तिर विषय निश्चित साधारण निर्वाचन आउ मात्र 18 मास बाकी थिबा बेले गुजरात रे बीजेपी रो विजय जातीय राजनीति को प्रभावित करिवो प्रधानमंत्री मोदी को विकास एजेंडा को श्रेय दैछंती दल रो जातीय सभापति अमित शाह कहिछंती जातिवाद एवं तुष्टिकरण राजनीति को लोके प्रत्याख्यान करिछंती विजय परे उभय प्रधानमंत्री मोदी एवं बीजेपी सभापति अमित शाह बीजेपी संसदीय दल बैठक को संबोधित करिछंती इन सभी चुनाव नतीजों ने एक बात सिद्ध कर दी है कि देश रिफॉर्म के लिए तैयार है परफॉर्म करने वाली हर बात को पॉजिटिव देख रहा है और ट्रांसफॉर्म होने के संबंध में भरपूर विश्वास रखती है ये चुनाव लगातार दिखा रहे हैं सबडे दुई तृतीयांश बहुमत सहित हिमाचल प्रदेश रे सरकार गठन करिवो बीजेपी शासक कांग्रेस को सत धक्का लागिछि बीजेपी 42 टी आसन रे जीतिथिबा बेले 2 टी आसन रे आगुआ रहिछि सेहिपरि कांग्रेस 20 टी आसन रे जीतिथिबा बेले गोटिए रे आगुआ रहिछि अन्य दल खाता को 3 टी आसन जाइछि एथि सहित हिमाचल प्रदेश रे प्रति 5 वर्ष रे सरकार बदलिबा धारा जारी रहिछि बीजेपी सरकार गठन करिवा को जाउथिले मध्य यहार मुख्यमंत्री प्रार्थी प्रेम कुमार धुमाल परास्त होइछंती कांग्रेस रो राजेंद्र राणा को निकट रु से हारिछंती विदाई मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अर्की एवं तांका पुओ विक्रमादित्य सिंह सिमला ग्रामीण आसन रो विजय होइछंती राज्य मंत्रिमंडल रो बहु मंत्री पराजित होइछंती वरिष्ठ मंत्री कोल सिंह द्रांग आसन रो एवं जिया चंपा ठाकुर मध्य पराजित होइछंती राज्य बीजेपी सभापति सतपाल सिंह सट्टी मध्य निर्वाचन हारि जाइछंती वरिष्ठ बीजेपी नेता सुरेश भरद्वाज सम्मानजनक सिमला आसन गोविंद ठाकुर मनाली रो विजय होइछंती थियोग आसन रे सीपीएम विजय होइछि तबे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह निजर पराजय स्वीकार करिछंती तबे गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश रे बीजेपी रो विजय नै ट्वीट करिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिछंती जितिला विकास एवं जितिला गुजरात उभय राज्य रे बीजेपी रो विजय फलाफल गुड गवर्नेंस रो विजय लोकंकर भलो पाइबा एवं विश्वास जोगु दल विजय होईछि बीजेपी उपरे लोक माने विश्वास रखिथिबारु मध्य तांकु धन्यवाद जणाइछंती उभय राज्य रे आगो को विकास रो धारा जारी रहिबो लोकंक पई अक्लांत परिश्रम जारी रहिबो बोली प्रधानमंत्री ट्वीट माध्यम रे कहिछंती कांग्रेस रो पराजय अधर्मी को पराजय एथि सहित जीएसटी रो विजय देश रो विजय अटे बोली कहिछंती प्रधानमंत्री यह जीत प्रधानमंत्री जी की नीतियों की और जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है उसके गरीब लक्षी कार्यक्रम है इसकी जीत है मित्रों ये जीत वंशवाद जातिवाद और तुष्टिकरण के ऊपर विकासवाद की जीत है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की जीत है चुनाव चुनाव मैंने बताया कि इस बार गुजरात में जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव की रणनीति में जातिवाद का सहारा तुष्टिकरण का सहारा और वातावरण कलुषित किया फिर भी गुजरात की जनता ने विकास को ही समर्थन दिया है इसलिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली
ସେପଟେ ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ଅପେକ୍ଷା ଦଳ ଏଥର ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିଛି। ଗୁଜରାଟ ମଡେଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ପଟିଦାର ସଂରକ୍ଷଣବାଦୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହାସଲ ବି କରିଥିଲା ଦଳ। ରାଜ୍ୟରୁ ଯୁବ ଦଳିତ ଏବଂ ଓବିସି ନେତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ବି ପାଇଥିଲା। ଜିଏସ୍ଟି ଏବଂ ନୋଟ୍ ବ୍ୟାନ୍କୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଗଡ଼କୁ ଭେଦ କରିପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିଏମ୍ଙ୍କ ହୋମ୍ ଟର୍ଫରେ ବିଜେପିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇ ଦଳ ନୈତିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା କହିଛି। कि कांग्रेस ने इश्यू बेस पर बात की है, अपनी सारे इश्यूज को लिए हैं और बीजेपी उसमें जीरो रही है, बिग जीरो रही है। खाली भावना भड़का करके मैं यहाँ के बेटा हूँ, बाहर के लोग आके मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, आप लोग ध्यान रखो और आप अपने बेटे का ध्यान रखो, ये कोई राजनीति नहीं हुई वहाँ पर। हमारा आंदोलन आने वाले दिनों में जल्द से जल्द शुरू होगा और वही आरक्षण का मुद्दा, वही किसानों की कर्जा माफी और किसानों को सही फसल के दाम देने का मुद्दा और बेरोजगारी के मुद्दे पर हम लड़ाई जारी रहेंगे। तेरे उभय हिमाचल प्रदेश एवं गुजरात रे बाजीमात कला बीजेपी हेले मोदी को गड़ रे तंकु कड़ा टक्कर देई नुआ इमेज सृष्टि करी छंती कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। एपटे जनादेश 2017 रा फलाफल राज्य राजनीति रे कोन प्रभाव पकेबो ताकू नै मध्यम चर्चा जोर धरिछि। निर्वाचन रे विजय पई प्रधानमंत्री मोदी को फोन जगे शुभेच्छा जणाई छंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। ହିମାଚଳ ଓ ଗୁଜରାଟରେ ଫୁଟିଲା ପଦ୍ମ, ଆଉ ଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଭାବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ସେଲିବ୍ରେସନ, ବାଜା ବଜାଇ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି ଦଳର କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତା। ହିମାଚଳ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ ବୋଲି ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ଦଳୀୟ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବି ଉତ୍ସାହ। ରାହୁଲଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ତାର ଫାଇଦା ମିଳିବ। ନୂଆ ଟିମ୍ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଦଙ୍ଗଲ କରିପାରନ୍ତି ରାହୁଲ। ଦେଶ କି ଜନତା କି ବିଶେଷ କରକେ ଗରିବୋଁ କି ଗୋଲବନ୍ଦୀ ହୋ ରହି ହେ ମୋଦିଜୀ କି ପକ୍ଷ ମେ ବଡ଼ି ଜିମ୍ମେବାରୀ ହମେ ମିଲି ହେ ବଡ଼ି ଭରୋସା ହମ ଲୋଗୋଁ କେ ଉପର ଆଇ ହେ ଉସକୋ ହମ ପୁରା କରନେ କେ ଲିଏ ଭରପୁର କୋଶିଶ କରେଙ୍ଗେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଇମେଜ ଗୁଜରାଟରେ କାମ ଦେଇଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନ କାମ ଦେଇଛି। ଆଗାମୀ ଯେତେ ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ 2019ରେ ମଧ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ସାରା ଗୁଜରାଟ ବୁଲି ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ଆମର ଜିତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଭାଇମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଜୟର ପ୍ରତିଫଳ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିବ। ଆମେ ଟୋଟାଲ ହିସାବ କରିଛୁ, ଗଲାଥର ଆମେ 25 ଜଣ ହାରିଛୁ 2000 ଭୋଟରେ, 30 ଜଣ ହାରିଛନ୍ତି ହାରାହାରି 5000 ଭୋଟରେ। ଯଦି ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ 85 ଜଣ MLA ଆସିବେ, 15 ଜଣ MP ଆସିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ କରିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାହୁଲଙ୍କ ଫୋକସରେ ରହିପାରେ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ 2019ରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ଯଦି ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହୁଏ ତେବେ ବିଜେଡି ଫାଇଦାରେ ରହିବ। ବିଜୟ ପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଧାଇ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ କାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ମିନ୍ସ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପିପୁଲ ଆର୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେଣୁ ଏଠି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦଟ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରାଇ, ଜାତୀୟ ଲେଭେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ଉଚିତ ମୁକାବିଲା କରିବୁ। ଏ ଗୁଜରାଟର ଫଳାଫଳ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡିକେଟର ଯେ ଆହୁରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳଙ୍କ କ'ଣ ରହୁଛି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତାହା ଉପରେ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ।